पुराने गुरुकुल में एक सुबह एक गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वह शिष्यों से कह रहे थे कि जब कभी भी आप शांत मन से बैठकर सोचेंगे तो आप यह महसूस करेंगे कि यह ब्रह्मांड, यह प्रकृति, यह सबको समान रूप से अवसर देती है। यहाँ हर एक के लिए अपार संभावनाएं अथाह भंडार है, जो जितना चाहे ले सकता है। लेकिन साथ ही साथ आप यह भी महसूस करेंगे कि हमें लेना नहीं आता है, हमें हासिल करना नहीं आता, क्योंकि किसी भी चीज को हासिल करने का एक तरीका होता है, एक विधि होती है, और कुछ ऐसे सूक्ष्म रहस्य है जिनका अभ्यास करना ही उस सफलता का आधार होता है, उस सफलता को पाने का सही तरीका होता है। कौन है ऐसा जो सफल होना नहीं चाहता है? कौन है ऐसा जो खुश नहीं रहना चाहता? मगर फिर वो ऐसी कौन सी चीज है जो हमें यह सब पाने से रोकती है? वह है हमारे खुद के नकारात्मक विचार, वो है हमारी खुद से होने वाली नकारात्मक बातचीत, और हमारा मन खुद ही ऐसे विचार पैदा करता रहता है जो हमारे आत्मविश्वास को कमजोर बना देता है और हमें विश्वास दिला देता है कि हम उस सफलता के लायक नहीं है। और यही वो सूक्ष्म रहस्य है, अपने मन में चल रहे विचारों को एक सही दिशा देना, उन्हें नकारात्मक से सकारात्मक की ओर मोड़ना, खुद से की जाने वाली मानसिक बातचीत को सही करना और खुद पर विश्वास करना। गुरु ने आगे कहा, क्या आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हार नहीं मानने देता? लोग जब उदास और परेशान होते हैं तो अक्सर वो सब कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। नकारात्मक भावनाओं की वजह से कई बार हमारे अंदर की बुराई बाहर आ जाती है और हम गलत कदम उठा लेते हैं। गुरु ऐसा बोल रहे थे कि तभी एक शिष्य खड़ा होता है और गुरु से प्रश्न करता है, गुरुदेव, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमें अपने अंदर की बुराई और नकारात्मकता का सामना कैसे करना है और जिंदगी को सकारात्मक विचारों के साथ कैसे जीना है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, खुश रहना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं, बस हमें सुबह और शाम अपने विचारों को सही दिशा देना है। हर नया सवेरा एक उम्मीद लेकर आता है, क्योंकि हर नए दिन के साथ नए सपने, नई उम्मीदें और नए मौके मिलते हैं। इसलिए अपने हर दिन का दिल से स्वागत करो। कौन जाने कल क्या होगा, क्योंकि आने वाला समय तो किसी का नहीं है। अक्सर हम सभी सोचते हैं कि हमारे सामने एक लंबी जिंदगी पड़ी है। ये बात सच है, लेकिन ये भी एक सच है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए, कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हर दिन को अपना एक नया जन्म समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि इस सोच के साथ जीवन जीने से आप कभी दोबारा उदास महसूस नहीं करोगे, बल्कि आप खुद से और अपने करीबी लोगों से और भी ज़्यादा प्रेम करने लगोगे, और फिर जो भी करोगे पूरे जोश के साथ और उत्साह के साथ करोगे। आपका हर दिन हंसी और खुशी के साथ बीतेगा। गुरु ने आगे कहा, अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको कुछ समझौते भी करने पड़ेंगे। जीवन का यही नियम है, अपनी आराम की स्थिति में रहते हुए आप कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। जीवन में बदलाव लाकर ही आप उसे एक नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए हर बदलाव का खुले मन से, खुले दिल से स्वागत करो। जो लोग समय के साथ बदलना सीख जाते हैं, सफलता भी उन्हीं को ही मिलती है। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें हैं और आप परेशान हो चुके हैं, तो आपको मुश्किलों का सामना करने के प्रति अपने नजरिए को बदलना होगा, अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा, चाहे वह कितना ही मुश्किल क्यों ना लगे, आपको उसका डटकर सामना करना होगा। आपको शायद नहीं पता, पर आप अपनी सोच से कहीं ज़्यादा मजबूत है, और आपकी ज़िंदगी में जितनी मुश्किलें आएंगी आप उतने ही मजबूत होते चले जाएंगे, क्योंकि हर मुश्किल एक नया अनुभव, एक नया सबक देकर जाती है, और फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा और आपकी ज़िंदगी खुशियों और कामयाबियों से भर जाएगी। बुरे काम करके ये मत सोचो कि अब आपके साथ कुछ अच्छा होगा। अगर ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चाहिए तो फिर अच्छा ही सोचना होगा और अच्छा ही करना होगा, तभी आप पर इस ब्रह्मांड की मेहरबानी होगी। इसलिए अपनी सोच और अपने कर्म पर सही नियंत्रण रखो। हम दुनिया को किस नज़र से देखते हैं, ये काफ़ी हद तक हमारी अपनी सोच पर निर्भर करता है। एक नकारात्मक मानसिकता वाले व्यक्ति को दुनिया में सिर्फ बुराइयाँ ही बुराइयाँ दिखती है, जबकि सकारात्मक सोच
हमें जीवन की उन चीज़ों की अहमियत करवाती है जो अभी हमारे पास है और उस ब्रह्मांडीय शक्ति की कृपा से हमें मिली है। गुरु ने आगे कहा, अपने मन को शांत रखना सीखो। दिन भर की भागदौड़ के बीच खुद को शांत रखने का कोई तरीका सीखो। एक शांत मन के साथ हमें अपनी अंतरात्मा में झांकने का मौका मिलता है और हम खुद से ही सवाल करते हैं, जैसे कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या मैं एक अच्छा इंसान हूँ, क्या मैं एक अच्छा पिता हूँ या पति हूँ, क्या मैं एक अच्छा बच्चा हूँ। आप जितनी गहराइयों से अपने अंदर झांकोगे उतना ही ज़्यादा खुद को जानोगे। आप अपने आसपास की चीज़ों को समझने लगोगे, लोगों का स्वभाव और उनका व्यवहार समझने लगोगे कि आप चीज़ों और लोगों को लेकर बात बात पर परेशान और उदास होना छोड़ दोगे। आपको यह एहसास होने लगेगा कि आपके किसी भी काम का क्या असर पड़ेगा। किसी भी काम से अगर आपको दुख पहुँचे तो उस काम को मत कीजिए और जो चीज़ खुशी दे उसे ज़रूर कीजिए। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में कैसा ठहराव आता है। हमें ज़िंदगी एक बार ही मिलती है तो क्यों न भरपूर तरीके से जिए। जो दिल करे उसे पूरे मन से करो, अपने आप को बंधन मुक्त करो। लेकिन हाँ, इस बात का भी ध्यान रखो कि वो मनमानी न हो, बुद्धिमानी हो और आपके भीतर की आवाज़ हो। इसलिए कुछ भी करने से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। आपके दिल की चाहत कुछ भी हो सकती है, जैसे कोई नया व्यापार शुरू करना, किसी नए शहर में जाकर अपनी किस्मत आजमाना या फिर कुछ महत्वपूर्ण हासिल करना। जो भी आपके दिल में है उसे पाने के लिए कम से कम एक बार अपना संपूर्ण प्रयास जरूर करें। यह मत सोचो कि इसका परिणाम क्या होगा, जो मन में है बस उसे कर डालो। अक्सर हम उधेड़ बुन में फंस जाते हैं क्योंकि हमारा दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ और। लेकिन प्रयास करने पर ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ क्या हो सकता है, यही ना कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। गुरु ने आगे कहा, लेकिन कम से कम आपको इस बात का तो पछतावा नहीं रहेगा कि आपने कोशिश ही नहीं की। कुछ ना करने से तो बेहतर है कि हम उस काम को करके उसमें असफल हो जाएं। गुरु ने आगे कहा, आपकी अंतरात्मा आपकी भलाई चाहती है, इसकी आवाज़ को कभी भी नज़रअंदाज मत करो, क्योंकि अंदर से आने वाली आवाज़ ही हमें सफलता के रास्ते पर ले जाती है। जब भी आप कुछ गलत सोचते हैं या करते हैं तो सबसे पहले अंदर की आवाज़ ही आपको टोकती है, आपको गलत करने से रोकती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमेशा हमारा भला चाहती है। यही तो ऊपर वाले का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है हमारे पास, जिसे हम समझ या बुद्धिमता कहते हैं। अगर ज़िंदगी की खूबसूरती को समझना है तो अपने अंदर झांक कर देखो, ये देखो कि तुम्हारे पास क्या है और तुमने अपने जीवन में कितना कुछ हासिल किया है। ज़िंदगी की सुंदरता को आप केवल तभी महसूस कर पाओगे जब आप धन्यवाद के भाव से भरे रहेंगे, बजाय यह सोचकर दुखी होने के कि हमारे पास क्या नहीं है। यह सोचकर खुश रहो कि हमारे पास कितना कुछ है और इसी संतोष की भावना और शांत मन के साथ अपना प्रयास जारी रखो। इतना कहने के बाद गुरु कुछ देर के लिए मौन रहे और फिर कहना शुरू किया, क्या आप जानते हैं शब्द तलवार से ज़्यादा ताकतवर होते हैं, इसलिए शब्दों का उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए। ऐसी बातें करने से बचे जो किसी दूसरे को बुरी लगे। साफ और स्पष्ट राय रखना अच्छी बात है, लेकिन किसी को ऐसी बात मत बोलो जो उसे अंदर तक चुभ जाए। सच भी तो सभ्यता के साथ ही कहा जाता है ना। अगर आप क्रोध में हैं तभी किसी को उल्टा सीधा कहने से बचे, कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। बात करते समय अपनी आवाज़ में नरमी रखो, जहाँ तक हो सके साफ बातें कहो, लेकिन प्रेम से कहो। एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है, लेकिन इन आदतों को अपने स्वभाव का हिस्सा बनाने में समय लगता है क्योंकि इनका अभ्यास करना पड़ता है। खुद से पूछिए कि क्या आप एक अच्छे इंसान हैं और आपको क्यों लगता है कि आप अच्छे हैं। आपके अंदर ऐसी कौन सी खास बात है जो आपको दूसरों से बेहतर बनाती है? आप दूसरों से किस तरह से पेश आते हैं? यह सवाल आपको अपनी खामियां जानने में मदद करेगी। शुरुआत में हो सकता है खुद से ऐसे सवाल करना आपको अजीब लगे, लेकिन खुद से ऐसे सवाल करते रहो और खुद को विनम्र व अंदर से शांत रखने का प्रयास करो। अगर एक इंसान के रूप में आपको अपने अंदर सुधार लाना है तो अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करना ही होगा। गुरु ने आगे कहा,
दुनिया में प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्रेम आपको आबाद भी कर सकता है और यह आपको बर्बाद भी कर सकता है। हालांकि प्रेम को ना समझना ही बर्बाद करेगा, क्योंकि प्रेम तो बड़ी ही पवित्र चीज है। प्रेम ही ईश्वर है, ऐसा कहा जाता है। अपना नियम बना लो कि आपके अंदर सबके लिए प्रेम और करुणा हो। जिस दिल में प्रेम होता है वह दिल आबाद होता है। जितना प्यार आप बांटोगे उतना ही आपके पास लूट कर आएगा। जिसके दिल में प्रेम और करुणा है वह कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। उसके अंदर दूसरों के प्रति बुरा और नकारात्मक भावनाएं आ ही नहीं सकती। असल में प्रेम के अंदर वो ताकत होती है जो हमें गलत काम करने से रोकती है। गलत काम करके इंसान कभी चैन से नहीं रह सकता। उसके अंदर हमेशा एक डर और पश्चाताप रहता है। गलत काम करना छोड़ दो, फिर देखो आपको इतनी बेहिसाबी से खुशी और संतुष्टि मिलेगी कि आपकी पूरी जिंदगी चैन से गुजरेगी। जो लोग स्वार्थी और धोखेबाज होते हैं खुशियाँ उनसे दूर भागती है। वो चाहे कितना ही खुश रहने का दिखावा कर ले, लेकिन अंदर से वो हमेशा दुखी ही रहते हैं। गंदे काम और गंदे विचार हमें कभी खुशी नहीं देते, और जहाँ खुशी है वहीं प्रेम है। इतना कहने के बाद गुरु ने अपना प्रवचन समाप्त किया और फिर सभी शिष्य अपने अपने दैनिक कार्यों में लग गए। दोस्तों, इस तरह के विचार अपने दिमाग को देने से और विचारों को सकारात्मक रखने से निश्चित रूप से जिंदगी बदलेगी। तो आइए अब जल्दी से समझ लेते हैं कि हमें इस वीडियो में क्या सीखने को मिला। इस वीडियो में आपने खुद से की जाने वाली सकारात्मक बातचीत की ताकत के बारे में जाना, और यह भी जाना कि खुद की काबिलियत पर संदेह करना हमें नीचे खींचता है। खुद को हमेशा अपनी खूबियों और अच्छाइयों के बारे में याद दिलाते रहे, क्योंकि इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। इस वीडियो में आपने यह भी समझा कि हमें अपनी अंतर्मन की आवाज़ भी सुननी चाहिए। हमें अपनी कमियाँ, अपनी खूबियाँ, अपने लक्ष्य का स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, और ये याद रखिए कि अगर हम ठान लें तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। आपने इस वीडियो में अच्छाई और एक अच्छा इंसान बनने की अहमियत के बारे में जाना। असल में अच्छा इंसान होना सफल होने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। दुनिया में पहले से ही काफ़ी बुराइयाँ हैं, और हमारे अंदर की बुराइयाँ हमें मानसिक और शारीरिक तौर पर कमज़ोर बनाती है। इसलिए जितना हो सके अपना मन और विचार दोनों पवित्र रखो। अच्छा सोचो, अच्छा करो, और अपने अंदर की बुराइयों को सिर मत उठाने दो। ये सब करना हमारे ऊपर ही तो है। जहाँ भी जाओ लोगों का भला करने का प्रयास करो, क्योंकि इससे जो खुशी मिलती है वो कहीं भी नहीं मिल सकती। इस दुनिया में अच्छे लोगों की बेहद कमी है, इसलिए जितना हो सके अच्छा सोचो, अच्छा करो। तो फिर देर किस बात की, आज और अभी से अपने सपने पूरे करने में जुट जाओ। धन्यवाद।